दोस्तों, हमारे साथ हैं सिल्वर इनिंग्स के शैलेश जी। शैलेश जी इस क्षेत्र में बरसों से काम कर रहे हैं। बताइए, उम्र को लेकर आपकी क्या सोच है? आज हम जीते हैं, 60 साल से 80-90 साल तक जीते हैं, तो 60 साल के बाद जो 20 या 30 साल, क्या हम सिर्फ पूजा करेंगे, सिर्फ टीवी देखेंगे या सिर्फ अखबार पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं जी। आई थिंक यार बचपन आफ्टर 55 ये चीज आती है। बचपन आफ्टर 55 बुजुर्ग को एक मौका नहीं मिला, उसने पूरी जिंदगी अपने समाज परिवार को दिया, उसमें एक उमंग है। मैंने कभी गाया नहीं, मैंने कभी नाचा नहीं, मैंने कभी गुलेल नहीं खेली, मैंने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने बंदूक नहीं चलाई, मैं पहाड़ों पे नहीं चढ़ा। तो ये मौका अपने आप को देना है। बिल्कुल, आप अपने आप को उम्र के हिसाब से बंद नहीं करिए, आप अपने आप को रिटायर मत करिए अपनी जिंदगी से। वी डोंट नीड रिटायर्ड बट वी नीड मोर रिवायर्ड पीपल। रिटायर्ड ना हो हम रीवायर हो। बहुत ही सही कहा आपने। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक जाबाज बुजुर्ग से मिलाता हूं। पुणे के रहने वाले हैं नारायण महाजन। हाथों में लाठी, चेहरे पे झुर्रियां, देखने में एक साधारण बुजुर्ग जैसे नजर आते हैं, लेकिन नारायण जी कोई साधारण इंसान नहीं है। आज के दौर में जहां युवा पीढ़ी चार सीढ़ियां चढ़ने में हांफने लगती है, ये बुजुर्ग पहाड़ों पे चढ़ने का शौक रखते हैं। पिछले ही साल जोश और उत्साह से भरपूर नारायण जी ने लोनावला के 3,500 फीट ऊंचे पर्वत पर सफलतापूर्वक आरोहण किया। पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचे नारायण जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया। बिना किसी के सहारे, अपने आत्मबल के दम पर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। तो नारायण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल है नारायण जी, क्या बात है, क्या बात, गले लगी, गले लगी, इतनी खुशी होती है। नारायण जी, जो हमने देखा आपने किया, ये तो बहुत सारे यंगस्टर्स करने से डर जाएंगे, नौजवान डरेंगे, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ रैपलिंग जो करना है। मुझे बताइए आपकी उम्र इस वक्त क्या है? 91 कंप्लीट। 91 कंप्लीट, 91 कंप्लीट, क्या बात है। नारायण जी मुझे बताइए कि और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्धक्य जो है जी, वो समाधानी होना चाहिए। हाँ, मतलब ओल्ड एज जो है उसमें इंसान को संतुष्ट होना चाहिए जी, और उसके लिए तनाव नहीं चाहिए। और अगर तनाव ना चाहिए तो अपेक्षा मत करो, अपेक्षा भंग नहीं है तो तनाव नहीं। और दूसरी एक बात है कि बुढ़ापे में जो भी आप खाते हैं उससे आधा खाओ, पानी दुगना पियो, वर्जिश 3 गुना करो और 4 गुना हंसो। और उनके लिए जो सोचते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं किसी से कम हैं, आइए ये देखते हैं। विश्राम, पूजा पाठ और बीते दिनों को याद करना, ज्यादातर लोगों की बुजुर्गियत इन्हीं चीजों में बसर होती है। लेकिन यूपी के जौहड़ी गांव की दो बुजुर्ग महिलाओं ने दादी बनने के बाद अपनी जिंदगी की सेकंड इनिंग्स की शुरुआत की है। सिर्फ खेत और घर के काम तक इनकी जिंदगी सीमित नहीं है, बल्कि अपने हुनर और हिम्मत से इन्होंने अपने नाम को कई अखबारों की सुर्खियां बनाया है। जिस उम्र में लोग चलना फिरना भी टालते हैं, ये बुजुर्ग औरतों की जोड़ी बंदूक चलाती है। 10 साल पहले इन्होंने इस खेल को सीखना शुरू किया था। दोनों दादियों ने मिलकर स्टेट और नेशनल लेवल के कई कॉम्पिटिशन्स में सैकड़ों मेडल जीते हैं। किसी ने सच ही कहा है,
प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। जिंदा दिली से जीने का सबक सिखाती ये दादियां बुढ़ापे की बेबसी पर बंदूक ताने खड़ी हैं। और इन दादियों का निशाना कभी नहीं चूकता। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने का प्रकाश जी, चंद्रो जी, फारूक साहब, आप इनके कोच हैं जी, मैं कोच ट्रेनर हैं जी, और हमारे साथ सोनिया भी हैं जो उनकी पोती हैं। यस सर। मुझे बताइए, ये आपने कैसे शुरू किया? मतलब मैं तो एकदम शॉक हुआ आपको देखकर, ये कैसे शुरू कैसे हुआ? मैं जो है पोती को लेकर गई थी, मैं कहने लगी बेटा तू भी खेल लेकर, वो कहने लगी उनको अम्मा डर लगे, मगर बेटा मैं आ करूँगी तेरी गल। तो आपकी पोती को आप ले गई थी शूटिंग के लिए? फिर आगे मैं दो एक दिन तो बैठ कर देखा, फिर दो एक दिन बाद में मजा ही लगन सी लगी। अच्छा। मैं लोड करके छर्रा भर के मारा, वो टेन में लग गया। पहला छर्रा मतलब जिंदगी में पहली दफा जो आपने बंदूक उठाई, तो वही टेन में लगा, निशाने पे लगाई आप? हाँ, टेन में लगा इनका। लगने के बाद में हमने कहा दादी आप करती क्यों नहीं? लगने के बाद आपने बोला ये तो फ्लूक से लग गया होगा, दोबारा लगाइए। फिर लगाइए, फिर भी दादी ने मारा तो वो काले में लगा। अच्छा। वो भी उनका अच्छा शॉट लगा। फिर क्या हुआ? टेन में लगते ही बच्चे सारे कहने लगे दादी खेल, मगर भाई मारी बड़ी फैमिली रुक के देंगे। अच्छा। तो इसलिए घर के जो मर्द हैं, जो इनके पति बुजुर्ग हैं, घर के वो क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा? हाँ। मैंने कोई नहीं, छुप छुप के आप आते रहो। अच्छा। फिर भाई मैं खेलना शुरू कर दिया, मैं जग में पानी घालू और भुसवाड़े में खड़ी हो जाऊं कमरे में। जग होता था ना, जग। हाँ। जग में पानी भरती पानी, थी। हाँ। और रात को खड़ी होकर ऐसे बैलेंस बनाती थी, तो कमरे में खड़े होकर चुपचाप दोनों छुप छुप के। अच्छा, छुप के करती थी ये सब। जी। भीत में निशान करके जग हाथ में, मुंह में राम हाथ में काम, सुबह ही जाऊं छर्रा मारू टेन में लगे। फिर उसके बाद हम एक कंपटीशन आया नॉर्थ जोन खेलने गई दादी, तो दादी का मेडल हो गया वहाँ पे। मेडल हो गया वहाँ पे पहले कंपटीशन में? पहले कंपटीशन सिल्वर मेडल दादी ने लिया नॉर्थ जोन में। तो अखबार में फोटो वोटो निकला इनका, तो घर वाले गुस्सा हो गए होंगे कि यार ये फोटो कहाँ से आ गई? छुपा लिया वो अखबार। अच्छा, अखबार छुपा लिया। तो किसी को दिखाया नहीं। अच्छा, दिखाया नहीं। हाँ, तो मांगा भी बच्चों ने, दे दिया। फिर बाद में दिखाया इन्होंने कि भाई दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, हमने कहा इनसे। आपने कैसे शुरू किया फिर इसके बाद? बच्चे कह लगे मम्मी आप भी जाओ। हाँ। तो 15 दिन बाद जान लगी मैं भी। फिर तो लगन हिम्मत के आगे उम्र पार नहीं बसाती, लगन हिम्मत इतनी करी बुढ़ापा हटा कर जवानी आ गई। मैंने काफी मेडल लिए नेशनल में, प्री नेशनल में, स्टेट में, बहुत मेडल लिए। देखा है आपने? जी हाँ, सारे मेडल्स हमने देखे। ये सब दादी के हैं। वाह वाह। ये मेरे मेरे घर में दादी के और अलग घर में इनका अलग टंग रहे। अच्छा, ये जो हमने वीडियो में देखा वो सिर्फ आपके मेडल हैं? ये उतने ही मेडल आपके पास भी हैं? इसके अलग है। सुनिया जी, आप भी शूटिंग करती हैं? हाँ जी, मुझे मेरी दादी से प्रेरणा मिली। मैंने सोचा कि जब दादी इतनी उम्र में इतना बड़ा काम कर सकती है, तो हम यंग क्यों नहीं कर सकते जी? क्योंकि पहले क्या होता था, लड़कियों को घर से निकालते नहीं थे, किसरते थे क्या करेगी लड़कियां, घर पे बैठे रहो, घर पे बैठे रहो। लेकिन दादी ने ये दीवार तोड़ दी कि सभी लड़कियां आने लगी। तो ये नजरिया बदला समाज का, देखिए कैसे नजरिया बदला, क्या बात है। मुझे बताइए कि जो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं आपकी उम्र की, जो इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? बेटे शरीर बुड्ढा हो, मन बुड्ढा नहीं होता। सही कहा आपने, सही कहा। और जो है लगन के आगे उम्र की पार नहीं बसाती, लगन होनी चाहिए। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मैं मुझे यकीन है कि आज इतने लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि इस उम्र में आपने कोई चीज़ शुरू की, 65 की उम्र में आपने एक काम नया शुरू किया जिसके बारे में आपको कोई इल्म नहीं था, और उसमें भी आपने महारत हासिल कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच।